उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़का अशरफ पीसीबी के नए चेयरमैन मुंतखब होते हैं और आते ही बयान देते हैं कि मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता, मैं पूरा एशिया का पाकिस्तान में करवाना चाहता हूं। अब जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जिनकी क्रिकेट के ऊपर नजर है, उनको पता है कि ये बयान जो है इनका सिर्फ शोशेबाजी है और कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज की प्लानिंग होती है। जब स्केड्यूल आ जाता है, हर चीज तरतीब दे दी जाती है, तो उसके बाद इस तरह का बयान जो है वो कोई वर्थ नहीं रखता। अब पाकिस्तान का अलमिया क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट कोई देख ले, कंटिन्यूटी नहीं है। कोई भी प्लानिंग जो है, कोई भी जो मंसूबा है, वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती तो वो पूरा नहीं होता। पीसीबी का स्ट्रक्चर भी इसी तरह है। अब इसको चाहिए कि जब आप आए हैं तो पहले देखें कि सिस्टम किस तरह चल रहा है। एशिया कप सर पे है, वर्ल्ड कप सर पे है, आप वही पुराने वाले काम, वो चेंज कर दो, नहीं हर 3 महीने बाद कौन सी चीज चेंज करने की जरूरत होती है। एशिया कप आने वाला है, फिर टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप सबसे बड़ा वो आने वाला है। अब इन दो टूर्नामेंट्स में प्रोग्रेस देखें पाकिस्तान टीम की, उसके बाद जहां पे तब्दीली की जरूरत है आप जरूर तब्दीली करें। अब आपने मोहम्मद हफीज को पैगाम पहुंचा दिया है, आओ मुझसे मिलो, मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ चीफ सिलेक्शन के लिए। फिर सलीम यूसुफ है, यूनुस खान है, भाई थोड़ा कंटिन्यू तो करो इस सिस्टम को। अगर बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं होगी, फिर आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा, उसके बाद तब्दीली कर लेना। ये वाली चीजें जो है पाकिस्तान को पीछे ले जाती हैं बार बार। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, कौन सी ऐसी चीज है जो 3 महीने के बाद चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। अब मैं सियासत पे बात करूंगा, लोग कहेंगे आप सियासी बातें करते हैं। 13 जो जमातें हैं उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही है। अगर सारे लोग बारी लेने पे आ गए तो हर 3-4 महीने बाद जो पीसीबी का नया चेयरमैन आएगा, नया सिलेक्टर आएगा, चीफ सिलेक्टर जो है जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद नया कोच आएगा। ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान की तो क्रिकेट का अलग ही ऑफिस है। फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा, कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ग्रो करेगी या वो डिक्लाइन की